पहली बार हिंदी में छपी थी, हंस के नवंबर 1934 के अंक में प्रकाशित हुई। किताबी सूरत में उर्दू में 1936 में उनके मजमूए ज़ादे राह में शायद। बड़े भाई साहब, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद को मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, स्पेशल, आईना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई बहन, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था और उसे पूछने का साहस ना हुआ। वो 9वीं जमात में थे, मैं 6ठी जमात में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकल मैदान में आ जाता और कभी कंकड़ियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वो रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों नहीं निकलती कि जी जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह आदमी नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हंसना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, जो चाहे पढ़ ले। इस तरह अंग्रेजी आती तो सब पढ़ लेते। यार रात दिन आंखें पोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब जाके कहीं अंग्रेजी आती है। और मैं कहता हूं कि तुम इतने कूड़मग्ज हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। अरे भाई कितनी मेहनत करता हूं, तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते हो ये तुम्हारा कसूर है, तुम्हारी अकल का कसूर है। इतने मेरे तमाशे होते हैं मैं कभी नहीं जाता। रोज क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं करीब नहीं पढ़ता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी 2-2, 3-3 साल तक 1 दर्जे में पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे उम्मीद करते हो कि तुम यूँ खेल कूद के वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे 2-3 साल लगते हैं, तुम सारी जिंदगी इसी दर्जे में पढ़े रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गिल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़े पसीने की कमाई क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लकार सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सा है। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूक्ष्म बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत मुझे तो चक्कर आ जाता। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल छंट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाता रहूंगा, चटपट एक टाइम टेबल बना डालता
बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, कबड्डी के वो दाव खात, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, आंख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती, और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और गुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता। सालाना इम्तिहान हुए, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल काम कर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं, आपकी वो घोर तपस्या कहां गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जाना। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वो रौब मुझ पर ना रहा, आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने फिर फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया, उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल हो, अब तुम्हारे दिमाग हो गए। मतलब भाई जान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है? तारीख में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा, उसकी जिंदगी में तुमने आखिर नतीजे क्या नतीजे निकाला? यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज नहीं, असल चीज है तारीख से सबक हासिल करना। रावण सारी दुनिया का महाराजा था, ऐसे राजों को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अग्रणों का राज बहुत पसी है, मगर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कहते। रावण चक्रवर्ती राजा था, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसे गुलाम थे। उसका अंजाम क्या हुआ? गुरूर ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया, कोई उसे चुल्लू पानी देने वाला ना बचा। इंसान चाहे और बुराई जो बुराई करे, गुरूर किया और दीनों दुनिया से गया। इब्लीस का हाल भी पड़ा होगा, उसे भी गुरूर हुआ। नतीजा ये हुआ कि जन्नत से दुर्गा में ढकल दिया गया। चाहे रोम ने भी पर गुरूर किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने से एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा फिर गया, तब तो तुम आगे पढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, अंधे के हाथ पटेल लग गई है। मतलब पटेल सिर्फ एक बार हाथ कर सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गिल्ली डंडे में भी अंधे चोर का निशाना पड़ जाता है, इससे कोई कामयाब खिलाड़ी नहीं हो जाता। कामयाब खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली न जाए। मेरे बेगोने को मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे ना दांतों का पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने जमाने पड़ेंगे और इंसान की तारीफ पढ़नी पड़ेगी। अरे बादशाहों के नाम याद रखना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी नहीं, किस ख्याल में हो? दर्जनों तो जेम्स हुए और दर्जनों विलियम, गौरी और चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है। उन कपटों में दांत नहीं जुड़ते थे, एक ही राय में भी दुआम सुआम चारों पंचम शिशु लगाते चले गए।
ज्योमेट्री तो बस खुदा की पता, इस हद पर वो उम्मीद गिरा दो तो कायदे से उम्मीद सॉरी तो कायदे से उम्मीद दुगना होगा। पूछिए इससे क्या मतलब, दोगुना नहीं चौगुना हो जाए, आठ गुना हो जाए मेरी पला से। लेकिन पढ़ना है तो ये सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी। अब अंग्रेजी मजमून लिखते पढ़ते हैं, कह दिया बाकी पाबंदी पर एक मजमून लिखो जो चार सफे से कम ना हो। अब कॉपी खोले हुए उसके नाम को कौन रोए, कौन नहीं जानता कि वक्त की पाबंदी अच्छी बात है, लेकिन इस पर चार सफे कैसे लिखे हैं? जो बात एक जुमले में कही जा सकती है उसके लिए चार सफे लिखने की क्या जरूरत? मैं तो इसे हमाकत कहता हूं, बोले नहीं आपको चार सफे लिखने पड़ेंगे चाहे जैसे लिखिए, और सफे भी सारे फुल्के साइज के। ये लड़कों को सितम नहीं दिखा। जालिम उस पर ये भी कहते हैं कि इख्तिसार से भी काम लो, तेज भी दौड़ी और आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, मुझसा है या नहीं, अरे बच्चा भी समझ सकता है। लेकिन इन मास्टरों को इतनी भी तमीज नहीं, उस पर दावा है कि हम मास्टर हैं, फिर दर्जे में आओगे तो ये पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब दर्जे में अव्वल आ गए हो तो इतना इतराते हो, मेरा कहना मानिए लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, दुनिया का तुमसे ज्यादा तजुर्बा हासिल किया है, मेरा कहना मानो, जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह से बांधो, पछताओगे। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वास सा लग रहा था, जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर शायद प्राणी भी लिए थे। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया, स्कूल छोड़कर घर नहीं पाला यही चाहती है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही, खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने लगा, पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुए और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आया, मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए, 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी, नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा, अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाल सकता। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई, कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाला, आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं, मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर वो शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे, कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया, शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा, मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊंगा, पढ़ू या ना पढ़ू मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ, मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था, मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था, उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था, आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर
विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने आ रहे हैं। पालकों की पूरी सेना लग गया और झाड़दार बांस लिए इसका स्वागत करने को दौड़ी आ रही। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाहरी लोगों के साथ घेरे के कंकड़ों के लिए दौड़ते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? इसका कुछ लिहाज नहीं कि आप निचली जमातों में नहीं हो बल्कि आठवीं जमात में आ गए हो और उसे सिर्फ एक दर्जा पीछे हो। आखिर कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना वो था कि लोग आठवां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी कलेक्टर या सुप्रिंटेंडेंट है। कितने ही हमारे लीडर हैं बीए और एमए वाले उनके मातहत और उनके पैरों में, और तुम उसी आठवें दर्जे में आकर लौंडों के साथ कनकवे के लिए दौड़ रहे हो। अफसोस है तुम्हारी इस नाकली पर। तो तुम जहीन हो इसमें शक नहीं, वो धन किस काम का जिसे आदमी अपना वकार खो बैठे। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं महज इनसे एक दर्जा पीछे हूँ और अब इन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। मैं तुम्हारे इस ख्याल को कभी तस्लीम नहीं कर सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ। और मुमतिनों का यही हाल रहा तो यकीनन 10 साल पहले हम जमात हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे निकल जाओगे। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का फर्क है तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा बड़ा रहूंगा। मुझे दुनिया और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसके बराबर कभी नहीं आ सकोगे, चाहे तुम एमए एलएलबी हो जाओ। अकल किताबें पढ़ने में से नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं 6वीं जमात से आगे नहीं गए। लेकिन हम दोनों आज सारी दुनिया का इल्म क्यों ना पढ़ लें। अम्मा और दादा को हमें तंबीह करने का हमेशा अख्तियार रहेगा। महज इसलिए नहीं कि वो बुजुर्ग है बल्कि इसलिए कि वो तजुर्बेकार हैं और रहेंगे। अमेरिका में किस तरह की हुकूमत है और हेनरी हस्टम ने कितनी शादियां की और आसमान में कितने सितारे हैं ये बात उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें जिनका इल्म उन्हें हमसे ज्यादा है। आज मैं खुदा ना खास्ता बीमार हो जाऊं तुम्हारे को हाथा भूल जाएंगे। सिवाय दादा को तार देने का तुम्हें और कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा होंगे किसी को तार ना देंगे बल्कि खुद मर्ज पहचानेंगे, खुद इलाज करेंगे और अगर फिर कामयाबी ना हुई तो डॉक्टर को बुलाएंगे। घबराएंगे नहीं पर हवास ना होंगे। हमारे खर्च के लिए वो जो कुछ भेजते हैं हम उसे 20-22 तारीख तक खर्च करके पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद कर देते हैं, धोबी और माई से मुंह चुराते फिरते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके निश्चय में दादा ने अपनी जिंदगी और बड़ा हिस्सा इज्जत और नेकनामी के साथ बसर किया और अपने कुनबे की परवरिश की है। इसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हैबान साहब को देखो, एमए हैं और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के, 1,000 रुपये पाते हैं लेकिन उनका खर्चा इतना कौन करता है। बूढ़ी माँ हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ आकर बेकार हो गई, पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है जिससे घर में लक्ष्मी आ गई है तो भाई जान ये गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम गरीब आ गए हो और खुद मुख्तार हो। मेरे देख के तुम कभी अपनी जिंदगी बर्बाद ना करवाओगे। तुम यूं ना मारोगे तो मैं थप्पड़ का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। जानता हूँ मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको उसको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकप्पे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी कभी कभी कनकप्पे उड़ाने को लग जाता है। खुद मेरा चलूंगा तो तुम्हें हिदायत कैसे दूंगा, ये तो फर्ज है मेरे सर पर। सहयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी, लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ रहा था।
भाई साहब लंबे थे ही, उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े, मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था।